कैसे हो आप सभी लोग, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो बहुत दिनों से मुझे बड़ी अनबॉक्सिंग करनी थी, सो आज मेरे पास आ चुका है बोट का अवंते बार 1190। सो बिना किसी देर के इसको अनबॉक्स करते हैं। ये दोस्तों कुछ स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। 2.1 साउंड है इसका भी, सब वूफर, डिजिटल ऑडियो पावर जो इसमें एम्पलीफायर है। इसके ड्राइवर साइज है 5.715 सेंटीमीटर, USB प्लस 13.335 सेंटीमीटर SW, तीन ड्राइवर्स आते हैं इसमें। इसकी सेंसिटिविटी की बात करें DB में तो इसका SB है 800 MB प्लस 50 MB SW, 400 MB प्लस 50 MB फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है इसका 55 Hz से 20 kHz तक। सिग्नल नॉइज रेशियो है इसका 70 dB, इससे ज़्यादा भी लगता है। वायरलेस टेक्नोलॉजी टाइप है ब्लूटूथ, वर्जन 5.0, कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना, और ऑल ब्लूटूथ डिवाइसेस जो है इसकी कंपेबिलिटी है, रेंज 10 मीटर है ब्लूटूथ की। हमको जो है अटैचमेंट मिलते हैं, ये रिमोट है, ये जो है आप लोग जिधर आपको रखना है उधर आप ये लगा सकते हैं, और ऐसे दो है। ये एक जो है ऑक्स केबल है और ये बहुत ज़्यादा बड़ी है दोस्तों, और ये जो है इसको आपको जो है प्लग इन करना पड़ता है पहले, फिर आप लोग जो है ये डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ना दोस्तों जो स्पॉन्सर किया हुआ है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, वो एंड MI। सो यहाँ पे जो है बहुत सारा बड़ा जो है दिया हुआ है, बहुत सारे IPL टीम्स को इन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है। सो इधर जो है किरण अडवाणी और इधर जो है कार्तिक आर्यन का ये 1 ईयर वारंटी का स्टिकर है, और इधर आपने हार्दिक पंड्या जी है, और ये जो है बहुत बड़ी मैनुअल की है जो कोई पढ़ता नहीं है। तो ये जो रावल प्लग और स्क्रू मिलता है अगर आपको वॉल माउंट करना होगा, सो इतना जो है अपने को मिलता है। सो अभी डायरेक्ट स्पीकर पे ऊपर हम लोग जाते हैं। फ्रेंड्स इसके पुट्स की बात करें तो HDMI ARCR
जो है इसमें एक पोर्ट है, यूएसबी पेन ड्राइव के लिए पोर्ट है, एयूएक्स ऑक्स जो है डायरेक्टली अगर आपको लगाना है तो वो भी पोर्ट है, और कोशिल पोर्ट है एक। सो इतने जो है इसमें चार पोर्ट्स है विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। सो स्पीकर ना एकदम मस्त है, बाइलिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसकी प्राइस जो है मैं आपको अभी बताऊँगा। प्राइस की बात करें तो अगर आप लोग अमेज़ॉन पे जाओगे या फिर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे आपको 14990 ऐसी दिखेगी, बट अगर आप लोग को रियल प्राइस दिखेगी वो 599 दिखेगी। सो मुझे भी जो है 599 और 699 के बीच में ही मिला हुआ है। सो अच्छी प्राइस है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। अगर 90 वॉट का स्पीकर देखा जाए तो बहुत मस्त स्पीकर है।